हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ महाराजा वाइटलैंड विंडो एयर कूलर के ऊपर। तो उसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड डेमो। तो पहले ना हमें कूलर के लिए चाहिए एक स्टैंड, तो स्टैंड तो साथ में आती नहीं है, तो हमने यहाँ पे सेपरेट से एक स्टैंड ख़रीदा है और वो है सुपर कूलर स्टैंड, सो सुटेबल फॉर केनस्टार कूलर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टैंड है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब कूलर की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये रहा महाराजा वाइटलैंड विंडो एयर कूलर, जो कि फुल्ली प्लास्टिक से यहाँ पे बना है ये कूलर। और यहाँ पे बहुत ही फाइन क्वालिटी के प्लास्टिक यूज़ किया गया है और ऊपर में यहाँ पे दिया है दो नॉब, तो फर्स्ट वाला है स्पीड के लिए और नेक्स्ट है स्विंग के लिए। और इसके नीचे भी दो दिए गए, एक है कूल और एयर फ्लो। कूल यानी कि वाटर पम्प क्या यहाँ ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, तो जब भी हम पंप को ऑन करना है या ऑफ़ करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं ऑन ऑफ़। और नेक्स्ट है एयर फ्लो के लिए। और साइड में दिया गया है इंडिकेटर, यानी कि वाटर इंडिकेटर। यहाँ पे हमें लो मीडियम हाई इंडिकेट करता है वहाँ पे वाटर लेवल कितना है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ना यूज़ किया गया है ब्लोअर, तो यहाँ पर फ़ैन नहीं है, ब्लोअर विंडो एयर कूलर है ये। और इसके वजह से, ब्लोअर के वजह से इसकी जो कूलिंग क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। कूलिंग बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल फैंस जो यूज़ होती है उससे। और यहाँ पे देखिए, आपको एयर फ्लो बता दे रहे हैं मीडियम, यानी कि हम इसको मिडिल अप डाउन कर सकते हैं। और इसके साउंड, तो इसकी नॉइस देख सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा, है कूलर है तो। और साइड में देखिए, यहाँ दिया गया है वाटर इनलेट, तो यहाँ से हम पाइप के थ्रू या फिर आप मग से किसी तरह से भी यहाँ पे हम वाटर डाल सकते हैं। बैक साइड में फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक साइड देखिए, वुडविल पैड यूज़ किया गया है, तो तीन साइड भी नॉर्मल यहाँ पे वुल पैड ही यूज़ हुआ है। और ऊपर में देखिए, अगर हम इसको निकालना चाहें तो ऊपर से इजीली इसको रोटेट करके निकाल सकते हैं। और ये पूरा 50 लीटर्स का है फ्रेंड्स, इसमें वाटर पूरे 50 लीटर्स हम इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो ये 50 लीटर्स विंडो एयर कूलर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसके प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 6,000 to 7,000 के बीच में आती है। इसकी रेंज 6,000 to 7,000 के मिडिल में होगा। तो ये डिपेंड करता है आप इसको कहाँ से ख़रीदते हैं, ऑनलाइन से या डायरेक्ट आप शॉप से जाके ख़रीद सकते हैं, तो प्राइस की थोड़ी डिफरेंशिएशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स।